अपर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन को विभिन्न माध्यमों से नंदा गोरा योजना प्रथम व द्वितीय चरण के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र संकलन कर योजना में फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को आय प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी को विकास भवन रोशनाबाद में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री सुलेखा सहगल ने आय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तथ्य सामने आया कि महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदागोरा योजना के अंतर्गत जनपद में प्रथम चरण बालिका के जन्म पर कुल 1328 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनके प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि उनमें से 70 आवेदन पत्र ऐसे थे जो आय प्रमाण पत्र की दृष्टि से फर्जी पाए गए। प्रतीक सैन ने कहा कि आय प्रमाण पत्रों में इस तरह की फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। नंदागोरा योजना के तहत सर कुछ फर्जी पाए गए हैं आय प्रमाण पत्र, क्या है मामला पूरा? देखिए, पहले तो मैं आपको नंदागोरा योजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये उत्तराखंड सरकार की योजना है जो कि बाल विकास परियोजना के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो इसमें होता यह है कि कोई भी 6 महीने से छोटी अगर किसी की बच्ची है तो हर वर्ष वो अप्लाई कर सकता है, मतलब हर वर्ष ये योजना चलती है। अगर किसी की 6 महीने से छोटी बच्ची है तो उस बच्ची को 11,000 रुपये सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, और अगर जब कोई भी बच्ची 12वीं पास कर ले तो 12वीं पास करने के उपरांत उसे 51,000 रुपये सरकार द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारे को हर वर्ष बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं इसकी, क्योंकि नेचुरली बहुत सारी बच्चियाँ 12वीं पास करती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ पैदा भी होती हैं, और ये एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बच्चियों को प्रोत्साहित करने उनकी पढ़ाई को लेकर, ताकि माता पिता भी और ज़्यादा ध्यान दें, मोटिवेटेड रहें, उसके लिए योजना का संचालन किया जाता है। लेकिन इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि जो वार्षिक आय होती है परिवार की वो 72,000 रुपये होनी चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस योजना के अंतर्गत हम आवेदनकर्ता से मांगते हैं, जिसमें आय प्रमाण पत्र भी होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होता है, 12वीं पास करने का सर्टिफिकेट भी होता है इत्यादि। तो जब हम इसकी जांच कर रहे थे, इस बार पहली बार हमने आय प्रमाण पत्र की अच्छे से जांच करी, क्योंकि ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि कई बार आय प्रमाण पत्र में जो PDF जनरेट होती है उसमें थोड़ा बहुत हेराफेरी की जाती है लोगों द्वारा। तो इस बार विस्तृत स्तर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जन्म वाली बच्चियां हैं ऐसे हमारे को 1328 आवेदन प्राप्त हुए, वैसे ही 12वीं पास वाली लड़कियों के 4174 हमारे को आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से हमारे को स्क्रूटनी करनी थी, सब डॉक्यूमेंट्स देखने थे। सबसे ज्यादा फोकस हमने आय प्रमाण पत्र पे किया, और ये पाया गया हमने कि आय प्रमाण पत्र पे जिसकी आय 96,000 है उसने भी अपनी आय 72,000 रुपये कर ली। 72,000 क्यों करी? क्योंकि 72,000 इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिली जिसमें लोगों ने अपनी आय को कम कर लिया। अब ये लोगों को पता नहीं है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आजकल कोई भी ई सर्विसेस के माध्यम से तहसील से कोई भी प्रमाण पत्र जारी हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे डोमिसाइल हो, जो भी तहसील से या कोई भी सरकारी विभाग से जारी होता है वो ऑनलाइन होता है, और उसका तुरंत eServices.UK वाला जो पोर्टल है उस पर वेरीफाई भी किया जा सकता है, और कोई भी कर सकता है कि वो प्रमाण पत्र सही है या नहीं उस एप्लीकेशन नंबर से। तो हमने जब ये देखा तो कुल मिला के हमारे को 193 ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें इस तरह की हेराफेरी की गई है। अब ये लोगों को पता नहीं है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आजकल कोई भी ई सर्विसेज के माध्यम से तहसील से कोई भी प्रमाण पत्र जारी हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे डोमिसाइल हो, जो भी तहसील से या कोई भी सरकारी विभाग से जारी होता है वो ऑनलाइन होता है, और उसका तुरंत eServices.UK वाला जो पोर्टल है उस पर वेरीफाई भी किया जा सकता है, और कोई भी कर सकता है कि वो प्रमाण पत्र सही है या नहीं उस एप्लीकेशन नंबर से। तो हमने जब ये देखा तो कुल मिला के हमारे को 193 ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें इस तरह की हेराफेरी की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हमने ऐसे आवेदनकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया भी, उनसे पूछा कि आपने ये इस तरह के बदलाव कैसे किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी CSC ऑपरेटर ने, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर ने उनसे 150-200 रुपये मात्र लिए और इस तरह से उनकी आय बदल दी। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है, गंभीर मामला है, जिसने इस तरह का हेरफेर किया है। अब क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट और सरकारी लाभ लेने के लिए उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया है, और
ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक प्रमाण पत्र है जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया है। तो ये फॉर्जरी यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स में की गई है। तो जिसने एप्लीकेशन की है उसके खिलाफ तो हम FIR करेंगे ही, उसमें फॉर्जरी की FIR करेंगे, 420 का केस दर्ज करेंगे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी का केस दर्ज करेंगे, साथ ही में ऐसा पता लगाएंगे कि कौन ऐसे CSC ऑपरेटर हैं, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो PDF एडिट करके लोगों को गुमराह करने की ये साजिश करते हैं। मुकदमा करने के आदेश हुए सर? बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी ये पूरा मामला डिस्कस कर लिया है। DM सर के भी ये निर्देश हैं कि इन पे तत्काल FIR की जाए। तो विभाग द्वारा हम ये सारे जो 193 प्रकरण हमारे को मिले हैं इन सब पे FIR करेंगे। आगे कोई भी सरकारी योजना का जो भी लाभ लेते हैं, जैसे समाज कल्याण में भी बहुत सारे लोग पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, वहां पे भी इसी तरह के बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं जो लोगों को लगाने होते हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से गंभीरता से एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा। जो पहले से ऑलरेडी पेंशन पा रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी ने गलत प्रमाण पत्र तो नहीं सबमिट कर दिया, एडिट करके तो सबमिट नहीं कर दिया। तो ये बहुत गंभीर मामला है, मुझे लगता है कि इसको ना केवल जिला स्तर पर बट राज्य स्तर पर भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सभी को ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है अगर वो आपको बोले कि एडिट कर देगा वो आपका प्रमाण पत्र, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो उसका रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में और लोगों के लिए भी वेबसाइट पे हमेशा उपलब्ध है। तो ऐसी गलत चीज में ना फंसे। अगर आप किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप फंस सकते हैं।